हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के 3 से अधिक स्थानों पर नदी नालों में बाढ़ व बादल फटने से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ सिल्ट की मात्रा काफी बढ़ गई थी, जो अब तक सामान्य नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के 3 से अधिक स्थानों पर नदी नालों में वीरवार सायं बाढ़ व बादल फटने से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ सिल्ट की मात्रा काफी बढ़ गई थी, जो अब तक सामान्य नहीं हो पाया है। वीरवार शाम से देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना में 3212 मेगावाट की 4 जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन ठप कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह बासपा नदी में बनी बासपा 2 300 मेगावाट से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया गया है। बीते शाम सतलुज नदी पर स्पीति नदी संगम स्थल खाव में सतलुज का जल स्तर 170 क्यूमेक्स और सिल्ट 8305 पार्ट पर मिलियन, स्पीति नदी का बहाव 285 क्यूमेक्स व सिल्ट 1270 ppm था, लेकिन सतलुज नदी में नीचे की ओर कानम आसपास नालों में बाढ़ के कारण सिल्ट की मात्रा काफी बढ़ गई थी, जिससे जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन को रोकना पड़ा। परियोजना निर्माताओं ने बांध के द्वार खोलने के साथ नदी तट पर बसे लोगों को सचेत कर दिया था। जैसे ही सिल्ट की मात्रा कई हजार पार्ट पर मिलियन हुआ, करछम बांध में फिर से पानी भरना आरंभ कर दिया गया। नाथपा बांध स्थल पर अब भी 16,000 ppm सिल्ट है। जब सिल्ट 5,000 ppm से नीचे होगा, तभी बिजली उत्पादन संभव होगा। दूसरी ओर नेशनल हाईवे 5-2 स्थानों पर अवरुद्ध है। पूर्वनी को जोड़ने वाले तांगलिंग पुल भी बह गया है। कानम नामक स्थान में बाढ़ की चपेट में आने से एक पिकअप भी बह गया। आज किन्नौर जिला के ऊपरी क्षेत्र कानम मुरंग नाला तंगलिंग और सांगला घाटी के टोंग तोंगचे नाला में बादल फटने के बाद बनी बाढ़ की स्थिति से जल विद्युत परियोजनाओं को बंद करना पड़ा है। मुख्य महाप्रबंधक 1500 मेगावाट की नाथपा जागरी संजीव सूद ने बताया कि कल शाम 8 बजे के आसपास किन्नौर के पू उपमंडल में बादल फटने की सूचना मिली थी। इससे किन्नौर के पोवारी नामक स्थान में सतलुज नदी में सिल्ट काफी अधिक हो गई थी। ऐसे में उन्होंने बताया कि पहले 1000 मेगावाट की करछम बांगतू परियोजना बंद की गई, उसके बाद उन्होंने भी एहतियात के तौर पर 1500 मेगावाट की नाथपा जागड़ी और 412 मेगावाट की रामपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। उम्मीद है कि आज शाम तक सिल्ट कम होगी। मतलब कल अगर ऐसा माने तो नदी में डिस्चार्ज तो बहुत ज्यादा नहीं था, 1200 क्यूमेक्स ही था, लेकिन जो बादल फटने की घटनाएं हुई उनके कारण गाद की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी पुआरी में बेसिकली। उसके चलते पहले करछम वांगटू परियोजना बंद हुई, और जब करछम वांगटू परियोजना बंद हो गई तो नाथपा डैम के गेट भी बंद करने पड़े और नाथपा झाकरी परियोजना रामपुर परियोजना दोनों बंद करनी पड़ी। रात को 8:30 बजे हम लोगों ने परियोजना दोनों बंद कर दी थी। अभी की स्थिति ऐसी है कि वांगटू में अभी जो सिल्ट का लेवल है वो 16,000 ppm के आसपास चल रहा है। जैसे ही वो 5,000 ppm के आसपास पहुंचेगा, हम अपना रिजर्वायर भर के परियोजनाओं को पुनः चालू करने का कोशिश करेंगे। शायद आज शाम तक हम अपना उत्पादन बहाल कर पाएं।